दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वैसे आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही होंगे आज मैं किस टॉपिक वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा दुकान खुला हुआ है, इसका नाम है साइबर स्पेस, और खुले हुए 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपलोड वीडियो को 10-15 दिन के बाद ही कर रहा हूँ। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि जैसे कि मेरा जो दुकान का लोकेशन है कहाँ है, और यहाँ पे क्या क्या काम होता है, और इस यहाँ का एड्रेस बताने वाला हूँ, और मार्केट का पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरों के पास भी पहुँचे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें। ये जो मार्केट है अन्ना बाज़ार में, और फिलहाल ये नया नया मार्केट बना हुआ है, ये जो बस स्टैंड है अन्ना बाज़ार में, जो बस स्टैंड है जस्ट उसके सामने ये मार्केट है, और थावे रोड गोपालगंज। मार्केट के बाहर खड़ा हूँ, आपको अंदर से दिखाऊंगा, यहाँ से एंट्री है, अंदर से जाकर दिखाऊंगा कैसा कैसा कौन कौन सी दुकानें हैं मार्केट के अंदर। फिलहाल अभी आप लोग को लोकेशन दिखाता हूँ, जैसे कि बताता हूँ इस मार्केट के अंदर कौन कौन से दुकान हैं और मार्केट कैसा है, ये सब बताऊँगा अभी फ़िलहाल इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? अपना दुकान भी दिखाऊँगा, तो चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान वगैरह मिलती हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक शॉप है, ठीक है, होलसेल में। और इधर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिनिक है, डॉक्टर साहब हमारे, ठीक है, सुरेंद्र डॉक्टर साहब, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जितने भी मेडिसिन वगैरह मिलता है, और यहाँ पे चेकअप भी करते हैं, ठीक है। और इधर साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लेडीज़ कपड़े वगैरह सिला जाता है, और जो भी डिज़ाइन आप चाहते हैं जैसे लेडीज़ में, सारा कुछ सिला जाएगा, ठीक है। हमारे मास्टर जी यही हैं, ठीक है, जो कपड़े सिलते वगैरह हैं, ठीक है। और इधर साइड ये क्या है, ये जो सीढ़ी है ऊपर जाता है, और इधर सारा कुछ मीटर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे है ये कॉस्मेटिक शॉप, यहाँ पे जो भी कॉस्मेटिक लेडीज़ या कोई भी रिलेटेड, और यहाँ पे भी ये भी जो है इलेक्ट्रिक शॉप है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक सामान जो है ये भी होलसेल में बिकता है, यहाँ से जाता है, देख सकते हैं। यह है शॉप के ऑनर, ठीक है। और इधर साइड आप देख सकते हैं जो पन्नाज कलेक्शन जो था गोपालगंज में, अभी फ़िलहाल इधर आ गया, और ये हमारे दुकान का ऑनर, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही, यहाँ पे लेडीज़ से रिलेटेड चप्पल्स, शूज़ वगैरह सारा कुछ मिलता है, और देख सकते हैं। और ये रहा मेरा दुकान, ठीक है, यहाँ पे है स्पाइस साइबर स्पेस, ठीक है। और ये फ़िलहाल देखिए वहाँ पे जो सिस्टम है, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ता है, तो फ़िलहाल अभी ढक के रखा हूँ, आगे सिस्टम है हमारा, ठीक है। और ये सब शॉप जो है, ये सब दुकान अभी फ़िलहाल तैयार हो रहा है, और ये भी जो दुकान है सामने का ही दुकान है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे काम चालू है, जैसे प्लास्टर वगैरह अभी हुआ है, तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे सामान वगैरह नहीं रखा गया, लेकिन रखा जाएगा, ठीक है। और ये सब जो दुकान है अभी फ़िलहाल खाली है, पीछे के साइड में 3 दुकान अभी खाली है, और इधर जो है कल जो पानी पीने का काम आता है, ठीक है। और ये जो है सीढ़ी, फिर ये भी ऊपर चला जाता है, क्या है आगे फ्रंट साइड में भी ना एक सीढ़ी है, और इधर बैक साइड में भी एक सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जाता है। क्या है कि ऊपर फ्लैट भी बना है, मैं आपको दिखाऊंगा पीछे से बैक से ले आकर। और आगे से क्या है कि कुछ स्पेस छोड़ी गई है दुकान वगैरह के लिए, चलिए पीछे से चलते हैं। जैसे देख सकते हैं ये क्या है कि यहाँ पे फ्लैट वगैरह बनाया गया है स्टूडेंट के लिए, या फिर जो फैमिली वो भी रह सकते हैं, तो ये नहीं बताऊँगा कितने रूम है क्या है, आप आके देख सकते हैं, लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग डिज़ाइन से बनाया गया जो आगे से लेकर पीछे से निकला जा सकता है, ठीक है। ये हमें आगे की तरफ आ गया, यहाँ पे भी देखिए दुकान बनाया गया, अभी फ़िलहाल यहाँ ऊपर कोई भी लिया नहीं है, साइड में एक क्लास चलता है यहाँ पे, लेकिन बात चल रहा है कि यहाँ पे बैंक आएगा, तो देखते हैं बैंक आता है कि नहीं आता,
अभी आगे की बात है। और ये रहा आगे का फ्रंट साइड। तो फिलहाल आप लोगों ने लोकेशन देख ही लिया है कहाँ ये शॉप मेरा, और साथ ही साथ आप लोगों ने मार्केट के अंदर सारे शॉप मतलब सारे जितने भी दुकानें खुली हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं मैं अभी फ़िलहाल दुकान के अंदर ही बैठा हूँ, सामने रखा मेरा लैपटॉप है और साइड में प्रिंटर है, और इधर मैं आपको बता दूँ कि इधर इन्वर्टर रखा हुआ है, इन्वर्टर इसलिए लाइट चले जाने के बाद से, और इधर बैक साइड में आप देख सकते हैं एक सिस्टम और रखा हुआ है, ये है पीसी मतलब कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप जो होता है ज़्यादा लोड नहीं लेता है, तो पीसी जो होता है बहुत अच्छा होता है एक पर्सनल यूज़ के लिए और साथ ही साथ कोई काम करने के लिए, तो इसलिए एक पीसी खरीदें। क्या है कि यहाँ पे काम कौन कौन सा होता है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे काम जैसे कि पहली बार तो जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं सारे काम यहाँ पे होते हैं, और स्कूल के रिलेटेड जो भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया या फिर एडमिशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, सारा कुछ यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड किया जाता है, और साथ ही साथ जो भी जाति निवास आए ये सब बनाया जाता है, जो भी ऑनलाइन काम होता है सारा कुछ बनता है। आधार कार्ड से रिलेटेड थोड़ा बहुत अभी आधार कार्ड से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद से ये भी चालू हो जाएगा। यहाँ से पैसे जो भी पैसे निकाला जाता है आधार कार्ड से वो भी काम होता है, सारा कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड यहाँ पे काम किया जाता है। तो फिलहाल जैसे कि आपने दुकान के अंदर का सारा व्यू देखा भी है कि कैसा दुकान है और किस लोकेशन पे कहाँ आना है, तो जैसे कि मेरा दुकान नया नया खुला हुआ है और वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि आसपास के अगर आप हैं तो यहाँ पे आइए विज़िट करिए, शॉप के अंदर नहीं मिलूँगा। साथ ही साथ मैं एक और भी चीज़ जो है इसके अंदर ऐड किया था कि यहाँ पे क्लास भी चलेगा, फ़िलहाल अभी क्लास स्टार्ट नहीं है लेकिन कुछ दिन के बाद से भी स्टार्ट करूँगा। जैसे सिस्टम मेरे पास दो रखा हुआ है जैसे कि आप लोगों ने देखे भी, और क्लास कुछ दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप कुछ अगर आपको अगर सीखना उखना है तो आ सकते हैं, यहाँ विज़िट कर सकते हैं, और जैसे स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से मैं टाइमिंग भी सेट कर दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आप लोग ने एड्रेस देखा भी और फिलहाल कहाँ है और एड्रेस क्या है मैंने आप लोग को सारा कुछ दिखा दिया, बता दिया, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आस पास के हैं तो आइए यहाँ पर विज़िट करिए। लेट से आ रहा है मेरा वीडियो क्योंकि इसी चक्कर में सारा कुछ मैं बिजी हूँ थोड़ा, ठीक है, लेकिन वीडियो कुछ दिन के बाद से कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ट्रेन के रिलेटेड अभी तो घूमना ना होगा नहीं क्योंकि अपना दुकान खुल गया है, तो ट्रेन से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा, और साथ ही साथ जो भी नया फॉर्म आएगा सरकारी से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी फॉर्म आएगा आपको अपडेट देता रहूँगा इस वीडियो पे, ठीक है। और ब्लॉगिंग भी होगा, कहीं पर जाऊँगा अगर घूमने के लिए तो ब्लॉगिंग भी होगा, और ऐसा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।